अंबागढ़ चौकी में पिछले 4-5 महीना से रोजगार गारंटी कानून का जो काम हुआ है उसमें लोगों को मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, जबकि सरकार के कानून के तहत 15 दिन के अंदर मजदूरी करने के बाद लोग मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने का नियम है। लेकिन अभी तक हमारे अंबागढ़ चौकी के किसी भी गांव के लोगों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है और खेती का समय आ चुका है, बच्चों का एडमिशन पढ़ाई का समय आ चुका है और इसके कारण से मजदूरों के मानसिक तनाव परिवार में बढ़ रहा है, लोगों को ब्याज से पैसा निकाल कर अपना खर्च चलाना पड़ता है। काम करे हैं किसानी एह में सरकारी काम में तो पैसा कौड़ी नहीं मिले है, हम कहा के अभी खातू कचरा लेंगे, पैसा कौड़ी नहीं है तो अभी स्कूल खुली लड़का मन बा कागज पोथी वो पैसा नहीं है, क्या करेंगे। सन 2005 में रोजगार गारंटी कानून बना जिसके तहत गांव में गरीब किसानों को भूमि सुधार हेतु शासन के ओर से आर्थिक मदद किया जाता है एवं रोड निर्माण तालाब गहरीकरण का कार्य करवाया जाता है और रोजगार गारंटी कानून के तहत मजदूरों को काम करने के 15 दिन बाद मजदूरी भुगतान करने का नियम है। लेकिन पंचायत सचिव लोग समय पर मस्टर रोड जनपद कार्यालय नहीं भेज देते हैं और बैंक से मजदूरों को पैसा दिया जाता है जिससे मजदूरों को पंचायत एवं बैंक का कई चक्कर लगाना पड़ता है। मोर नाम हिम्मत बाई है, हम दो ढाई तीन महीना हो गए काम करे हैं, अभी तक ले मजदूर नहीं मिले है और सब उधार बाढ़ी ले खावा थे, पैसा सरपंच मन दे डरे हैं कथे, बैंक वाले मन से देरी है कि उसने बार बार बताया थे। और हम चाहते हैं कि सरकार से भी अपील करते हैं कि जब भी रोजगार गारंटी कानून के तहत लोगों को काम कराया जाता है तो पहले मजदूरी भुगतान करने की उसके पास में हौसला होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, तभी मजदूरों को मजदूरी के लिए बुलाना चाहिए। मैं भानसा हूँ छत्तीसगढ़ इंडियन हट के लिए।